हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानीज गुड फूड। आज मैं आपके लिए पनीर की सब्ज़ी और ज़ीरा राइस लाई हूँ। बहुत जल्दी बनता है, टेस्टी बनता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। 250 ग्राम पनीर को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। एक बड़े साइज की प्याज को मोटा मोटा कट कर लिया है। दो टमाटर कट कर लिए हैं मोटे मोटे। एक मुट्ठी हरा धनिया लिया है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच जीरा, एक हरी मिर्च ली है। और ये दूध पर की मलाई है, उसके साथ मैंने आधा कप दूध भी लिया है। अगर आपके पास मलाई है तो ठीक है, नहीं है तो आप सिर्फ दूध भी डाल सकते हैं। इसको पीसने से पहले हम पनीर का तड़का लगाएंगे। मैंने गैस ऑन करके एक मिट्टी का बर्तन 5 मिनट पहले गरम रख लिया है। एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। मसाला पीसने से पहले हम जब पनीर का तड़का लगाएंगे, पनीर इधर भुन जाएगा, इधर मसाला पीस जाएगा, कम टाइम में जल्दी काम हो जाएगा। चलिए पनीर ऐड करते हैं। पनीर के फ्राई होने तक हम मसाला पीसेंगे। एक मिक्सी जार में ये सब डाल लेंगे। पूरा बारीक पेस्ट होने के बाद लास्ट में हरा धनिया डालकर थोड़ा सा घुमा लेंगे। देखिए ये पीस गया है। लास्ट में हरा धनिया डालकर थोड़ा सा घुमा लेंगे ताकि हरा धनिया इसमें मोटा मोटा रह जाए। ये देखिए इसमें मोटा मोटा हरा धनिया दिख रहा है। पनीर को देखते हैं। देखिए उधर मसाला पीसे तक इधर पनीर फ्राई हो गया है। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई है, मिट्टी का बर्तन है, तो मैंने पहले कम फ्लेम पर मिट्टी के बर्तन को गरम कर लिया था। अब हाई फ्लेम पर ही मैंने पनीर को फ्राई कर लिया है। अब ये जो हमने मिक्सी में मसाला पीसा था ये डालेंगे। मसाले को भी अच्छे से भूनते हुए पकाएं। जीरा और जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा हरा धनिया डाला है उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको पसंद आएगा। इसको पकने देते हैं। ग्रेवी पक रही है, नमक टेस्ट कर लेंगे। काफ़ी थिक है, जो मैंने मसाला पीसा था वही जार दोकर 1/2 कप उतना पानी ऐड करूंगी। पानी गर्म है। सब्जी के पकने तक हम ज़ीरा राइस बना लेते हैं। गैस ऑन करके मैंने पैन को गर्म रख लिया है। ये बासमती चावल है, मैंने एक बाउल भर के लिए हैं। लगभग 150 ग्राम चावल होंगे ये उबले वाले। इसकी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर पहले से अपलोड करके रखी है। मेरे चैनल पर राइस रेसिपी बोलकर प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बहुत सारी बिरयानी, खिचड़ी और बिरयानी के लिए जो चावल उबालते हैं और ये जो बासमती चावल उबालते हैं और सेला चावल उबालते हैं, मैंने सब उसके वीडियो अपलोड करके रखे हैं। आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। मेरे आपके बात करने तक पैन गर्म हो चुका है। मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी। 1 चम्मच जीरे को मैं थोड़ा सा मसल कर डालूंगी। 2 चुटकी नमक डालूंगी। मैंने चावल उबालते समय नमक काफ़ी सारा डाला था। ज़ीरा भुन गया है, अब इसमें हम ये चावल डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल गर्म हो चुके हैं, गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। और दूसरे साइड सब्जी भी पक चुकी है। ये देखिए सब्जी भी पक रही है, इसका भी गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म परोसेंगे। ये बन गए हमारे ज़ीरा राइस। अगर आप बिगनर हैं तो जो हम कुकर में चावल पकाते हैं बॉयल्ड राइस, सफ़ेद वाले, बारीक वाले, वो चावल को भी आप ज़ीरा राइस कर सकते हैं। और वो चावल के साथ ये पनीर की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप ये बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। बहुत टेस्टी पनीर की सब्जी बनती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं ऐसी और एक कॉम्बो रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।